हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, जिसके एलिमेंट हैं 1, 4, 2, 5 एंड बी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, जिसके एलिमेंट हैं -2, -1, 3, 0, देन ए प्लस 2b - i2 इज इक्वल टू। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस 2b - i2। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे, 1, 4, 2, 5। इसके बाद में देखिए है 2 मल्टीप्लाई बाई बी, तो 2 में 2 की मल्टीप्लाई हम b के सारे एलिमेंट में कर लेंगे, और यहां पर आ जाएगा 2 2s - 4, 2 1s - 2, 2 3s - 6 एंड 2 0s - 0। माइनस में i2 है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे, तो वो हो जाएगी 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस करके लिख देंगे। तो 1 प्लस माइनस 4, तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3। 4 प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। 2 प्लस 6, तो आ जाएगा 8। 5 प्लस 0 आ जाएगा 5। -1 0 0 1। अब सब्ट्रैक्शन में भी इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो -3 -1 -4 आ जाएगा, 2 -0 2 आ जाएगा, 8 -0 8 आ जाएगा, 5 -1 4 आ जाएगा। जो हमें मैट्रिक्स अल्टीमेटली मिलेगी वो आ जाएगी -4 2 8 4, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।